इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पर एक व्यापारी पर हमला हुआ है। जी हां, पैसे से ये व्यापारी वकील बताया जा रहा है, जिस पर ताबड़तोड़ 20 गोलियों से हमला हुआ है, और वो भी दिन दहाड़े। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। जहां एक तरफ देश में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है, उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तभी ऐसे मौके पर झांसी से ये खबर आ रही है, जहां पर एक व्यापारी जो कि पैसे से वकील बताया जा रहा है, उस पर कचहरी चौराहे पर हमला हुआ है, जो कि भीड़भाड़ वाला इलाका बताया जाता है। व्यापारी के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 20 गोलियां दागी गई हैं और व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। योगी सरकार के आने से पहले कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन लगातार प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं साबित कर रही हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ये सरकार रैली के लिए व्यवस्था में लगी है, दूसरी तरफ इस तरह की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया गया है, और इस बारे में आगे की जानकारी क्या है जल्दी आपको बताई जाएगी। पर इस वक्त ये खबर आ रही है कि इस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया है। ये इसमें कचहरी चौराहे के पास की घटना है और वहाँ पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग यहाँ पर घायल हैं, जिसमें श्री संजय वर्मा ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ बताया जाए उसकी घटना है। तो इसमें हम लोग जो है घटनास्थल पर अधिकारीगण हैं, मैं भी यहाँ पर जा रहा हूँ और हम टीम बनाकर अभी तो गिरफ्तारी सुरक्षा अभी कुछ जानकारी मिली है कि हमको बात हो रही है, चीज़ें आ रही हैं सामने, हम आपको बताएंगे पूरा मोटिव भी बताएंगे। और अभी तो हम टीम्स बना करके हमारी प्राथमिकता है कि अभी तो विरुद्ध हम कठोर से कठोर कर गोली चली संजय वर्मा जी, वो अपने हजरों से आ रहे थे साथियों और फायरिंग हुई है। कितने लोग घायल हैं, ये कहाँ से आ रहे थे वकील साहब? अभी पूरी जानकारी उनसे ली जा रही है। कितने लोग घायल हैं सर? किसी की डेथ हुई है? सर इनका मुख्य कारोबार क्या है? झांसी से दीपक जौहरी की रिपोर्ट।